ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एट डिफरेंट पोजीशन। हमें क्या करना है, ये जो अलग अलग पोजीशन है, लोएस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, इस तीनों पोजीशन पर टेंशन कितना निकालना है। अभी इसके पहले लेक्चर में तुम्हें पढ़ाया टेंशन का फॉर्मूला निकाले थे, यही है ना, टी इज इक्वल टू mg square upon r plus mg cos theta। इस फॉर्मूले को 3 बार लिखना है, लिख दिया, कितना सिंपल है, सेम लिख दिया। अब पोजीशन दो, ये लोएस्ट पोजीशन है इसलिए यहाँ पे l, यहाँ पे v को भी l, ये मिडल पोजीशन है यहाँ पे m, यहाँ पे भी m, ये हाईएस्ट पोजीशन है यहाँ पे आएगा h और यहाँ पे h। अब मुझे बताना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो प्रोटेक्टर होता है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, सबको पता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, वहां पे 180 होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हो, जहां से तुम एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हो, क्या करते हो स्टार्ट, अब एंगल कितना होगा 0। अब ऐसे यहाँ पे आ गया मैं, ये हो गया 90 और यहाँ पे आ गया 180। अगर इस प्रोटेक्टर को मैं कुछ ऐसे रखू तो तुम्हारा 0 देखो वहां पे, यहाँ पे आ जाएगा, सही बात है, 180 पर चला जाएगा और 90 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो ये तुम्हारा वर्टिकल सिलेंडर का ये हाफ पोर्शन है, देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा लोएस्ट पोजीशन, ये हो गया मिडल पोजीशन और ये हो गया हाईएस्ट पोजीशन। जब हम नॉर्मली प्रोटेक्टर ऐसे यूज करते हैं, मैं कहता हूँ प्रोटेक्टर ऐसे रखते, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, मिडल पर 90 आएगा, तो लोएस्ट भी कितना आ गया 0। तो यहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है, मैं कहता हूँ कि लोएस्ट पोजीशन में थीटा कितना होगा 0 डिग्री, मिडल पे कितना होगा थीटा 90 डिग्री और यहाँ पे होगा थीटा 180, सेम वही बात है, यहाँ पे थीटा कितना होगा 0, तो थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 और यहाँ पे होगा थीटा 180, कितना हो गया 180, ठीक है। अब ये रफ करता हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, तो अब यहां पे लोएस्ट पोजीशन मींस यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, कॉस है यहां पे कॉस, अब थीटा 0, मिडल पे थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहां पे कॉस है तो जहां पे थीटा वहां पे 0 रख दो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, याद रखिए। फिर थीटा इक्वल टू 90, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू कितनी है 90, cos 90 कितना होता है 0, करेक्ट। अब सेम cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू कितनी है 180, cos 180 माइनस 1, ओके। अब क्या करना है तुम्हें, ये वैल्यू स्पेशल पुट कर सेम टर्म टी एल इज इक्वल टू, ये ऐसे रहेगा एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, चिपक के मतलब इनटू रहते हैं, कॉस 0 1 होता है तो यहां पे आ गया 1, टी एल इज इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर एम जी इनटू 1 एम जी, ये हो गया तुम्हारा टेंशन एंड लोएस्ट इक्वेशन, यहां पे तुम्हें 1 मार्क्स मिलेंगे। आगे अब बताओ फटाफट, टी एम इज इक्वल टू एम वी एम स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा कॉस 90, कॉस 90 0, 0 इंटू एम जी, ओ माय गॉड मत कर दे 0, तो टी एम इज इक्वल टू एम वी एम स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज टेंशन एट मिडल पोजिशन, ओके। नेक्स्ट, अब ये तो इजी, टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा मींस कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, यहां पे रख दो माइनस 1, तो टी एच इज इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस माइनस माइनस एम जी इनटू 1 एम जी, ये हो गया टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। देख लो अच्छे से, टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन, इसे तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत इजी है, 3 मार्क्स का है,
इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुम्हें इसे ध्यान से देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो, अब इसके बाद में तुम्हें क्वेश्चन रफ करके देने वाला हूँ, ठीक है? मैं रफ करता हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? स्क्रीन शॉट ले लिया होगा तुमने अब तक। क्वेश्चन ये है, तुम्हें प्रूफ करना है, शो दैट टेंशन लोएस्ट माइनस टेंशन हाईएस्ट इज इक्वल टू 6 mg। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आता है, ये आएगा 3 मार्क्स के लिए, तो तुम्हें ट्राई करना है। ये कैसे आएगा, ये कब आएगा तुम्हें, जब तुम्हें टेंशन लोएस्ट का आएगा हाईएस्ट का, मतलब ये तीन डेरिवेशन तुम्हें पहले करना पड़ेगा छोटे छोटे, जो इक्वेशन मैंने बनाया था डेरिवेशन में, तो वो उन तीन में से किसी दो का इस्तेमाल करना है, तुम देख लो किसका इस्तेमाल करना है, मिडल का करना है ऐसे लोएस्ट का, जिससे जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से तुम इसका यूज करो और आंसर निकालो। अब ये जैसे मैं तुम्हें होमवर्क दिया, तुम ऐसी और भी कर सकते हो, लोएस्ट मिडल इज इक्वल टू कितना होगा वो चेक करना, फिर लोएस्ट हाइस्ट हो गया, अब मिडल एंड हाइस्ट ये निकाल, तो एग्जाम में वही नहीं आता जो दिया है, वो घुमा फिरा के भी दे सकते, तो ये प्रूफ करना उसका, ये दोनों आंसर निकालने के कारण। अब मुझे पूछना कि सर इसका आंसर कितना है, मैंने ये निकाला, मुझे आंसर सेंड करना, मैं बताऊंगा सही है या रॉन्ग,